देवनगर विकास समिति ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। देवनगर विकास समिति की ओर से आम रास्ता खुलवाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समिति ने बताया कि खसरा संख्या 5801 आम रास्ता है, कुछ समय पहले बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि पर दीवार का निर्माण कर रास्ते पर आसपास के खसरों की भूमि को भौगोलिक स्थिति के परिवर्तन कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द आम रास्ता खुलवाने की मांग की। हम हैं देवनगर वासी सभी, और ये अपने तारागढ़ रोड है, वहाँ से लेके जो कॉलेज का गेट है उसके सामने एक रोड है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसका खसरा है 5801। अभी इन दिनों में हम लोग आराम से जा रहे थे, आ रहे थे पैदल, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों में कॉलेज अपनी बाउंड्री करके उसको रोक लिया, और वो भी पूरी प्रशासन की सहायता से रातों रात करीब 100 कर्मचारी लगाकर, कर्मचारी मजदूर लगाकर पूरी को बाउंड्री कर दिया और आठ कर दिया और एक का कर दिया। जबकि रास्ते के दोनों ओर जो ज़मीन है, एक तरफ काश्तकार की है और एक तरफ एडीए की ज़मीन है, वो एडीए की ज़मीन को पूरा नक्शा चेंज कर रहे हैं और उसमें नक्शा चेंज करके एडीए को भी गुमराह कर रहे हैं। जबकि पूरी ज़मीन एडीए के नाम आज रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है और एक तरफ खातेदार ज़मीन है, तो खातेदारी को मिलाते हुए और कब्जा चालू है और अतिक्रमण चालू है। प्रशासन की भी हेल्प है उनके साथ में, तो इसका मतलब बहुत बड़ा इसके अंदर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, पहले भी हमने एप्लीकेशन दिए कलेक्टर साहब को, आज दोबारा दे रहे हैं, इसके बाद आगे और देखते हैं। और उससे पहले हमने आयुक्त साहब को भी दिए, आयुक्त महोदया को दिए, और आज एप्लीकेशन फिर कलेक्टर साहब को देने आए हैं कि उसको रुका जाए। मेरा नाम गोविंद गोड़। बताओ, आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना आए हैं क्योंकि हमारे देवनगर विकास समिति की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि आज कॉलेज वालों ने अतिक्रमण करके हमारा रास्ता रोक दिया गया है, और बरसों पुराना रास्ता हमारा, जब से 5801 कर्सर नंबर है और ये तारागढ़ से जुड़ता है, जमके प्याव के तरफ निकलता है, और 22 फुट का रोड है, उनको सबको पूरा ब्लॉक कर दिया गया, और आए दिन अतिक्रमण करते रहे, हमारे गरीबों की ज़मीनों पर भी अतिक्रमण करते रहे डीबी कॉलेज वाले, और 58 किसान भी आज तक केस लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनने तो ज़मीन अतिक्रमण फैला रखा है, और इनकी दादागिरी बाहुबली से अभी इन्होंने दीवार खड़ी कर दी, आने जाने के लिए परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चे निकलते करते आए दिन एक्सीडेंट हो जाते, सब कुछ जाते हैं, और कोई कार्रवाई नहीं करे, और पुलिस का नाम पुलिस को गुमराह करके और अतिक्रमण करवाया गया है। ये डीएवी कॉलेज, मेरा नाम गुलाबचंद बनिष्ठिया, विकास समिति। खुशियाँ मनाएंगे, अपने घर नई होंडा लाएंगे, सर्वोत्तम सेल्स और सर्विस भी पाएंगे, 30 साल का भरोसा जो अपनाएंगे। अजमेर ऑटो ले आए हैं अजमेर होंडा, जहां है होंडा टू व्हीलर की कंप्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं 30 सालों से। अपने घर नई होंडा लाएंगे।